मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक पर दो अज्ञात युवकों ने की फायरिंग। अम्बामाता थाना क्षेत्र की है घटना। आपको बता दें, उदयपुर जिले के अम्बामाता थाना क्षेत्र में आने वाले स्वरूप सागर मार्ग पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए जावेद उर्फ दांतला नाम के युवक पर सामने से आए दो अज्ञात युवकों ने फायर कर दिया। हालांकि फायर में जावेद उर्फ दांतला बच गया, उसे किसी प्रकार की चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर अम्बामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया और शहर में नाकाबंदी की गई, लेकिन दोनों ही युवकों का कहीं पता नहीं चला। इस मामले में खुद जावेद उर्फ दांतला का कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, फिर यह फायरिंग कैसे हुई इस बात की जांच होनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने अम्बामा थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा जावेद उर्फ दांतला ने। यहाँ पे मुस्लिम मुसाफिर का नहीं है, चाय पी के और काले की मार शिक्षा भवन होके ये अपने पहाड़ी होटल है, इसके यहाँ बाहर आया तो मैं मेरे एक हाथ से फ़ोन पर बात कर रहा था, एक हाथ से बाइक चला रहा था। मेरे पास एक्टिवा थी, उधर से बाइक पे दो लड़कियाँ हैं और उन्होंने सामने आते ही मेरे फायर कर दिया। किस तरह के थे, कुछ पहचान? हाँ, पतले दुबले से लड़के थे। कोई पुरानी रंजिश? 25 से 30 नहीं, पुरानी रंजिश तो मैं तो उनको पहचान ही नहीं, तो रंजिश का कैसे बोलेगी। यार पिस्टल थी उनके पास। कितने फायर किए मेरे पे? तो एक फायर किया उन्होंने, वो फायर पहले ही बच गया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या गाड़ी भगा दी। किस तरफ भागे थे आप? वो भागे काले गिमाड़ वाले उस रोड पर, मैं आया इस तरह। अभी तक आपके सूत्रों के और आपकी जानकारी अनुसार आपको कुछ जानकारी मिली है कि कौन लोग हैं, क्या हैं? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मैंने रिपोर्ट दी है, कुछ अधिकारियों ने कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और सच्चे आदमी को सामने लाएंगे।